इन्फिनिक्स ने हॉट 10S का सक्सेसर इन्फिनिक्स हॉट 11S इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया, जिसमें एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया 4GB 64GB के साथ में। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन है। पिछले वाला जो हॉट 10S था ना, जो पाकिस्तान में अभी भी 25,000 कैटेगरी में आपको देखने को मिलता है, उससे तो काफ़ी अच्छी आपको स्पेसिफिकेशन और काफ़ी बड़ा मेजर अपडेट देखने को मिला है। तो आज की वीडियो में उसके बारे में बात करने वाला हूँ, इसकी प्राइसिंग पाकिस्तान में क्या होंगी, लॉन्च डेट आपको कब तक देखने को मिलेगी, तो सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरा नाम तो जमल है। चैनल पहली बार आया चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए और वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। और कुछ भी कमेंट है ना आपका, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर दो भाई, आपके कमेंट का आंसर मैं लाजमी करूंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यह है इन्फिनिक्स हॉट 11S का डिज़ाइन। काफ़ी हद तक आपको हॉट 11S से चेंज देखने को मिला है और काफ़ी इंप्रूव भी है। पॉलीकार्बोनेट ही इस बार भी आपको कोई भी इतना हैवी मटेरियल नहीं प्रोवाइड किया गया, लेकिन पॉलीकार्बोनेट ही प्रोवाइड किया गया। पिछली बार ये था, वो स्मार्टफोन थोड़ा सा काफ़ी थिकनेस में मोटा था, इस बार आपको थोड़ी सी थिकनेस कम देखने को मिलेगी। बैटरी हालांकि उतनी ही आपको 6000 mAh की देखने को मिलती है, लेकिन आपको थिकनेस में थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। इस बार जो बैक कैमरा है ना, उसका भी मॉड्यूल काफ़ी हद तक चेंज किया गया, जो एक बड़ा सेंसर बना के दे दिया गया। तो बड़े सेंसर में आपको 50 MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है और बाकी आपको 2-2 MP के बाकी कैमरा नीचे प्रोवाइड किए गए, और एक नीचे आपको क्वाड LED फ्लैश प्रोवाइड किया गया और साथ में छोटी सी ब्रांडिंग की गई है 50 MP की। ओवरऑल बात करो ना इस डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। डिज़ाइन वाइज मुझे कोई भी इशू नहीं है, मुझे पर्सनली इसका डिज़ाइन हॉट 11S का काफ़ी पसंद आया। इसमें आपको बैक साइड पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। पिछली बार जो हॉट 10S आया था ना, उसमें भी आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक साइड पर देखने को मिल जाता था। अगर ये साइड माउंटेड हो जाता ना तो काफ़ी अच्छी बात होगी, थोड़ा सा और प्रीमियम लगता स्मार्टफोन। लेकिन अब जो ये स्पेसिफिकेशन आ रही है ना, ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। इस फोन में आपको 6.8 इंचेस का फुल HD+ वाला सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये काफ़ी बड़ा अपडेट देखने को मिला आपको। पिछली बार जो आया था वो 90Hz के साथ में आया था, उसमें भी 720p डिस्प्ले था, इसमें आपको 1080p का फुल HD+ वाला पैनल 90Hz के साथ में देखने को मिला और 6.8 इंचेस के साथ में आता है और सेंटर पंच होल आपको देखने को मिल जाता है। और ऐसे ही आपको डिस्प्ले सेम इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में भी देखने को मिला है, टेक्नोपोवा में तो वो 60Hz का था, लेकिन इसमें आपको 90Hz का देखने को मिला है। तो ये काफ़ी आपको इंप्रूव देखने को मिला है, और ये टेक्नोपोवा 2 की छुट्टी की टाइप समझ लो, क्योंकि उसमें आपको G85 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, इसमें आपको G88 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। माइनर से आपको अपडेट देखने को मिला है G88 G85 से, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूव तो देखने को मिला है ना। साथ में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिला है। तो ऑलमोस्ट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा आपको 8 MP का प्रोवाइड किया गया, पिछली बार भी आपको इतना ही प्रोवाइड किया गया। तो ऑलमोस्ट कैमरा इस स्मार्टफोन के ठीक ठाक प्रोवाइड किए गए, लेकिन चेक ये करना है कि आपको कलर ट्यूनिंग कैसे देखने को मिलती है। जो टेक्नोपोवा 2 था ना, उसके बैक कैमरा में कलर ट्यूनिंग इतनी अच्छी नहीं थी, आपको ज़्यादा वार्म पिक्चर प्रोवाइड करता था। तो इसकी मैं कलर ट्यूनिंग चेक करना चाहूँगा कि कलर ट्यूनिंग इन्फिनिक्स ने इस स्मार्टफोन की कैसे की है। पिछली बार जो हॉट 10S आया था ना, उसमें भी आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती थी, लेकिन उसमें फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड नहीं की गई थी, इसलिए टेक्नो का कैमन 17 इंप्रूव था उससे, वो बाजी ले जाता क्योंकि वो बेस्ट कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि 25,000 में वो आपको 18W की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर रहा है, कैमराज भी अच्छे प्रोवाइड कर रहा है। तो इस बार वो भी इंप्रूव कर दिया गया, इसमें आपको साथ में 18W की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर दी गया। इंडिया में इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया, जो कि 4GB 64GB के साथ में आता है, और एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा है कि पाकिस्तान में आपको 6GB 128GB का वेरिएंट देखने को मिले। 4GB 64GB जो इंडिया में लॉन्च हुआ है, उसकी प्राइसिंग इंडिया में 11,000 के राउंड रखेगी, जो कि पाकिस्तानी 25,000 के राउंड बनती है, लेकिन पाकिस्तान में असेंबल हो रहे हैं, काफ़ी हद तक मैन्युफैक्चर भी हो रहे हैं, तो इसकी प्राइस आपको पाकिस्तान में कम देखने को मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि आपको 6GB 128GB 25,000 में देखने को मिल जाए, या फिर 4GB 64GB आपको 21-22,000 के राउंड देखने को मिल जाए, लेकिन आपको इसकी प्राइसिंग 25,000 के अराउंड अबाउट देखने को मिलेगी, 25 या 26,000 के राउंड ये जाएंगी। तो यही थी इन्फिनिक्स हॉट 11S की वीडियो। भाई इस स्मार्टफोन में ना एक चीज़ मुझे बेस्ट लगी, इसका 90Hz वाला डिस्प्ले साथ में 50 MP कैमरा। इन्फिनिक्स वाले ब्रांड से हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि हमें 108 MP प्रोवाइड करेगा, टेलीफोटो लेंस प्रोवाइड करेगा, AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड करेगा, और सारे इनके इन्फिनिक्स 0X सीरीज में आ गए, और 50 MP के जो सारी मोबाइल फ़ोन कंपनीज ला रही हैं, साथ में G88 दोनों रिफ्रेश हैं, सब कुछ भाई डिस्प्ले भी रिफ्रेश है, आपको प्रोसेसर भी 88 काफ़ी रिफ्रेश देखने को मिला, साथ में इसमें आपको जो 50 MP कैमरा दिया गया वो भी काफ़ी हद तक रिफ्रेश देखने को मिला। तो इन्फिनिक्स काफ़ी हद तक अपनी लाइनअप को रिफ्रेश करने की कोशिश करता रहता है। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर देना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।